आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो मिताली जी ये बताइए कि बहुत साल पहले जब हम दो परिवार ने निर्णय लिया था कि हम इकट्ठे रहें सामने सामने, है ना, तो मैंने एक मर्तबा नहीं कई बार ये नोटिस किया था कि आप और आपकी सास के बीच में जबरदस्त झगड़ा होता था। बात में कोई माल नहीं होता था लेकिन दोनों आप लोग उलझ पड़ते थे, झगड़ा बड़ा मजेदार होता था। अब बिना बात के झगड़ा होना कोई टैलेंट से कम बात थोड़ी है मिताली जी। तो मैं सिर्फ वो टैलेंट के बारे में जानना चाहता था, वो सीक्रेट जानना चाहता हूँ। मुझे ना बुरा लग रहा है, लग क्या रहा, मुझे बुरा लग चुका है। पर अब आप ये जानिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ना एक नेकलेस चाहिए, और नेकलेस ऐसा वैसा नहीं, डायमंड का। मेरी मम्मी जी है ना, मतलब मेरी सास, उनका 9 लाख हार आपने तो देखा नहीं है। मैं डिजाइन आपको भेजूंगी, आप एग्जैक्टली वैसा हार मुझे भेजिए। पर आपको सच में ये बात इतनी बुरी लगी? लग चुकी है। हाँ, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं क्यों ना पहले पूछ नहीं रहा था आपसे। मुझे ये जानना है कि आपकी सास की किस बात पे आपको जेलसी होती है, ऐसी कौन सी बात है जिसपे आप लोगों का झगड़ा होता है, और फाइनली ऐसी कौन सी बात है जिसपे झगड़ा हो ही जाता है। ये सब तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि आपको ये सारी बातें क्यों जाननी है। मैं ये सारी बातें जो है ना वो जानना चाहता हूँ, ताकि ये सारी बातों का अगर इल्म मुझे हो गया ना तो मैं सतर्क हो जाऊंगा ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि पल्लवी और मेरी माँ के बीच में कभी भी झगड़ा हो। पर ये जानने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, उन लोगों के बीच में झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि आप उन दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। एक मिनट, क्या क्या कहा आपने? मैं उनको अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ? कैसे? अरे आप दोनों को बराबरी का प्यार देते हो। जैसे आप अपनी वाइफ को ये नहीं बताते हो कि आपकी माँ ज्यादा समझदार है, और आप अपनी माँ को ये नहीं बताते हो कि आपकी वाइफ ज्यादा सुंदर है, और जैसे आप अपनी माँ को ये नहीं बताते हो कि आपकी वाइफ ज्यादा केयरिंग है, और आप अपनी वाइफ को ये नहीं बताते हो कि आपकी माँ ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन दोनों को एक दूसरे की अच्छाई बताते ही नहीं हो। तो जब अच्छा ही बताओगे नहीं तो ना तो उनके बीच में कोई इनसिक्योरिटी होगी, ना कोई जेलसी होगी, तो ये सब नहीं होगा, तो झगड़ा नहीं होगा। सो सिंपल। यू आर ग्रेट मिताली जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। नौलखा, आपको नौलखा हार दिलाऊंगा। नौलखा, आई विल गिव यू। डिजाइन भेजिए, मैं भेजूंगी एग्जैक्टली मम्मी जी जैसा। एग्जैक्टली। अब अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नौलखा हार डिजाइन सेंड कर दूंगी मैं। हार पहुंच गया आपके पास। मैं हार गया, हार आपके पास पहुंच गया। और ये ना, तुम मेरा हाथ पकड़ना छोड़ दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो जो चंपा, सॉरी जो संजू है ना, ये संजू वो सही इंसान नहीं है, मैंने उसको देखा। ये ना, ये मेरी लाइन होनी चाहिए थी तुम्हारे लिए। तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि खुद का नाम क्लियर करने के लिए किसी और का नाम बिगाड़ दो, है ना? प्लीज टॉपिक मत चेंज करो, मेरी बात सुन लो, मैंने उसको देखा है। दैट गाय इज ट्रबल, ही इज नॉट सेफ। सो आई कैन मैनेज। ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज, बट प्लीज लिसन टू मी। वो जिस हिसाब से तुमसे फ्लर्ट कर रहा है ना, प्लॉट की बात तुम तो करो ही मत, मतलब तुम्हें तो हक ही नहीं है। तुम क्या करते हो हर लड़की के साथ, यहाँ पे जितनी भी लड़की है ना, सबके साथ तुमने फ्लर्ट तो किया ही है ना। तो क्या होता है ना, अगर खुद का नाम जब खराब हो ना, दूसरे का नाम खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो हक ही नहीं है ऐसा बोलने का। Stop it. लड़कियों से फ्लर्ट करने में और बात करने में थिन लाइन है जो मुझे पता है, जो मैं कभी क्रॉस नहीं करता, और अगर तुम्हें नहीं पता तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मुझे तो समझ में आ रहा है, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए हर लड़की टाइम पास। Stop crossing your limits again. Stop it. Again? Yes, again. उस दिन कंप्यूटर रूम में भी तुमने ये किया था, और तुम आज भी वही करे। अगर प्राची तुम अपनी लिमिट्स भूल चुके हो तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला सकता हूँ। तुम्हारी लिमिट्स दिलाओ याद। तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मेरी बात करनी अजीब लगी, और जो तुम मुझे उल्टा बोलती हो पूरे टाइम, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलती रहती हो कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं वैसा हूँ, कि मैं जैसा भी हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। I don't care. तो जो तुम्हें सही लगा है तो वो कर। और you know what? मैंने आज तक तुम्हारे कैरेक्टर पे कभी उंगली उठाई? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते। मैं सोचना ही चाहता हूँ तुम्हारे बारे में ऐसा, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम तो मेरी लिस्ट में भी कहीं नहीं। ग्लैड मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, तुम्हारी लिस्ट में नहीं। ग्लैड, गॉट इट? बहुत मजा आ रहा था ना, बहुत मजा आया ना जब तुमने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। देखो मैं ना ये पहले बोल चुकी हूँ, अगर समझ में नहीं आया ना तो वापस बोल सकते। क्या है ना, लड़का तुम्हारे जैसा हो या उसके जैसा हो, मुझे छेड़खानी से नफरत है। हमारी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हें छेड़खानी से कोई भी नफरत है। जस्ट शट अप रणवीर। क्यों शट अप? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था, पर तुम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे नहीं, तुम उससे फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? हाँ तो लगने दो। हाँ मैं फ्लर्ट कर रही थी, हाँ मुझे अच्छा लग रहा था। क्या करोगे तुम बोलो। मुझे लगता था कि तुम दूसरों से अलग हो, पर मैं गलत था। I was wrong. तुम बिल्कुल अच्छे से हो। You know what?
आई डोंट केयर, जाओ तुम जाओ और तुम्हें जो सही लगे करो, डू व्हाटएवर यू। हाँ तो मैं जाऊंगी, वो जैसा भी है तुमसे तो बेटर ही है। जाओ ना, जाओ, निकलो, क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ उसके पास। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगी, तुम कौन होते मुझे बताने वाले? रिडिकुलस। क्या ये लड़ रहे थे? हो गई फिर से रणबीर से लड़ाई, वो तो हमेशा ही होती है, पर इतनी सीरियस फाइट। चलो मेरे साथ ऊपर, फॉलो मी। लिसन, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं दो मिनट में आई। हेलो। हेलो डैड, वेयर आर यू? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। टेरेस पे गई, गार्डन में गई। हाँ, मुझे कहीं नहीं मिले। अरे मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर आया हूँ। इम्पोर्टेंट लाइक मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बस मेरी लाइफ है ना, और मेरी लाइफ तो तुम हो, यू नो दैट राइट? तो फिर डैड आपको यहाँ होना चाहिए ना मेरे पास, प्लीज आप जहाँ पे भी आ जाओ। देखो अभी तो मुश्किल है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो जहाँ पर मैं हूँ? मुझे डैड चाहिए यहाँ पे कैसे भी, ताकि अपनी आंखों से देख सके अपनी फेवरेट प्राची का लाइव शो। हेलो, आर यू देयर? हाँ डैड, मैं आ जाऊंगी। पर क्या? पर आपको मुझे यहाँ पे लेने आना पड़ेगा। आप आओगे मैं तभी जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओगी? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। रिया प्रज्ञा से मिलेगी ना, तो प्रज्ञा उसे इतना प्यार देगी कि उसके दिमाग में जो अपनी मदर को लेके रॉन्ग इंप्रेशन है वो चला जाएगा। ऑफ कोर्स, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हें पिकअप करने। ओके ओके ओके, आई एम वेटिंग अप सून। ये कुछ नहीं है, बस खुशी के आंसू है, नकली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम यहीं पर रुकना। लेकिन अचानक कैसे आप? सरप्राइज है, बस इतना जान लो कि जितनी खुशी मुझे हुई है ना उससे कहीं ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। तुम कहीं जाना मत, मुझ पर जाकर है। जाना मत, सुनिए सुनिए, मुझे वो मिस्टर मेहरा के घर जाना। फोन नंबर, अरे दीदी ये तो चले गए। एक काम कीजिए, आप भी चले जाइए, अगर सर वापस आए तो मैं उन्हें बोल दूंगी आप आ रही हो। और वहाँ सहाना और प्राची भी तो आपका वेट कर रहे हैं ना, तो आप चली जाइए। सरिता जी भी वहाँ से निकल रही है, मुझे वहाँ जाना तो चाहिए। अगर वो लौट कर आए उन्हें रोक कर रखना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ दीदी आप जाओ, दे दूँ। जब मैंने हाँ बोल दिया था तो वापस मिलने के लिए क्यों बुलाया? अपना टाइम वेस्ट कर रही हो या माइंड मेकअप कर रही है? डबल माइंड तो नहीं हो रही? मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या चाहिए, पर तुम मुझे अपना बताओ कि तुमने अपना दिमाग क्यों बदला? ये बात आप बिना हाथ रखे भी तो कह सकते थे। बताओ ये एकदम से ना से हाँ कैसे हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राची के ऊपर मुझसे ज्यादा किसी और का हक है, इसीलिए उसके दिल में अपने प्यार की जोत जगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑलरेडी इस काम में बहुत लेट हो चुका हूँ, और लेट नहीं होना चाहता। उसका दिल जीतने की रेस में कहीं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा। अब सही और गलत क्या दिल लेने? वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। थोड़ी देर लग गई इस बात को समझने में, लेकिन अब समझ चुका हूँ। अपनी हीरोइन का मिस्टर राइट बनने के लिए अगर थोड़ा रॉन्ग भी बनना पड़े तो बनूंगा। रियली? रियली। ओह गुड बॉय, आई लाइक इट। नाउ वेट अ मिनट। किसे फोन कर रही हो? गेस्ट रूम में आओ अभी। मैंने पूछा किसे फोन कर रही हो? डोंट वरी, मैं पुलिस को फोन नहीं कर रही हूँ, हमारे साथ ही है, उसे बुलाया। ये शाम है, यही तुम्हें आके ड्रिंक्स देंगे। शाम तो
तुम्हें इनको और प्राची को ड्रिंक देनी है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? और आपको पता है आपको क्या करना है? ब्लैक मेरा है और ऑरेंज उसका। एक्सलेंट। सी, तुम्हारी लव लाइफ अब तुम्हारे हाथों में, अब तुम्हारे बस में है तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। सोयो ओके, लेट्स गो। रोज इस खिड़की से बाहर देखती थी तो अंधेरा ही दिखता था, आज बाहर इतनी रोशनी है और अंधेरा मेरे अंदर। कितना अंधेरा और बहुत अकेला, कोई भी नहीं है जिसके साथ दिवाली सेलिब्रेट कर सकूं। दिवाली तो अपनों के साथ मनाई जाती है और अपने ना हो तो दिवाली बहुत अंधेरी लगती है। एक्सक्यूज मी, जी पे है लड़का, इसे समझना ना फिजिक्स की थ्योरी से भी डिफिकल्ट है। दो मिनट पहले मेरा दोस्त बन रहा था, बता रहा था कि समझी वो अच्छा लड़का नहीं है, फ्लर्ट करता रहता है, और अब देखो जिसे कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। ये कौन होता है मुझे बोलने वाला? मैं डिसाइड करूंगी किससे बात करनी किससे नहीं करनी। बॉस है तो क्या पूरी लाइफ कंट्रोल करेगा? मुझसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। रणबीर ऐसे नहीं चलेगा। तुम बताओगी मुझे कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा? ये जो बात कर रहे हो ना, इसी की बात कर रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? इतने अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हो? एक पल मेरे दोस्त बनके मुझे सलाह देते हो कि ये लड़का अच्छा नहीं वो लड़का अच्छा नहीं, और ऐसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हो, इतने रूड क्यों हो रहे हो? क्या हो गया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दूर रहो यार मुझसे। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या प्राची, तुम और मैं बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। तुम एक अलग दुनिया से आती हो, मैं एक बहुत अलग दुनिया से आता हूँ। और मैं रूड हो रहा था तुमसे। मैं तुम्हारे पास आया था कि अच्छे से बात करने के लिए, तुम्हें वहां से लेने आया था, मुझे लगा तुम्हें वहां पे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें याद है तुमने कैसे बात करी मुझसे? रणबीर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? साउंडिंग सो डिफरेंट। ऑफ कोर्स आई साउंड डिफरेंट यार, मेरा नहीं है मूड तुमसे बात करने का, मन नहीं है। अगर मन नहीं है तो मैं रूड ही रहूंगा ना, हंसता खेलता ही रहूं पूरे टाइम। और तुम्हें फर्क क्या पड़ता है यार? तुम जाओ ना, तुम्हारे पास वो है ना तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड, क्या नाम है उसका, संजू। तुम जाओ ना उसके पास, उसको टाइम दो, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो। मेरे पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, यू गेट मैरिड टू हिम, कुछ भी करो यार। यू नो व्हाट, तुम इम्पॉसिबल। मैं इम्पॉसिबल? हाँ। और वो संजू, वो पॉसिबल है। तुम्हें बहुत अच्छा लगा उसका टाइम स्पेंड करके, बहुत मजा आ रहा था तुमको। यू नो व्हाट, मैंने एक चीज रियलाइज करी अभी, तुम्हें वहां से लेके जाना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई एम रियली सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, मेरी गलती थी। आई थिंक यू राइट, ये तुम्हारी गलती थी। मुझे ना सच में अच्छा लग रहा था उससे बात करके, फॉर अ चेंज मुझे हंसा रहा था वो। यू नो वो जैसा भी है तुम्हारी तरह तो नहीं। तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बोर हो, तुम सब कुछ हो, है ना? तुम दिस इज व्हाट यू डू द बेस्ट। हाय गाइस, हाउ इज इट गोइंग? मजा आया ना जब तूने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। एक यही रास्ता है जिससे पूरी तरह प्राची तुम्हारी हो सकती है, एंड आई बेट यू ऑन दैट 100%। अरे तुम यहाँ हो, मैं सब जगह ढूंढ रहा था तुम्हें। यही। अरे यार, ये प्रियंका कहाँ रह गई? ये प्लान की मास्टरमाइंड है और मेरी इंस्पिरेशन भी, इसे यहाँ होना चाहिए, पर नहीं कहाँ भागी भागी घूम रही है। जब ये शहाना और ऋषि आपस में मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? अगर आज ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा, आई स्वेयर शहाना का हाथ ही काट दूंगी। ऋषि ने कुछ भी किया, उसकी सजा शहाना को मिलेगी। जहाँ पे भी हो चलती यहाँ पे आओ। कमिंग।
ऑरेंज ड्रिंक तुम प्राची को दोगे और ब्लैक ड्रिंक तुम दोगे। ऑरेंज ड्रिंक में नशे वाला पाउडर है और वो प्राची को पिलाना है। लो ना कुछ। नहीं नहीं आप ओके आप लीजिए। ओ आपने वो कहते हैं ना कि गाड़ी छूट जाएगी। मैंने अभी लिया। I'm good. यो ना मुझे लग रहा बहुत थके थके से वो रिलैक्स अच्छा फील होगा। अच्छा टिम्पी। हाँ वो देख मिताली आंटी और स्वर्णी दादी चलो उन्हें बताते हैं जो रिया ने बताने को कहा है। हाँ अगर उन्हें पता चल गया कि प्राची इज अ बैड गर्ल तो हमारा आधा काम तो हो गया। स्वर्णी दादी पूरी फैमिली में सबको बता देगी और मिताली भाभी तो पूरे गेस्ट को बताए बिना नहीं मानेंगी। जो सब उन्होंने सुना है वो अपनी आंखों से देखेंगी तो न्यूज कन्फर्म हो जाएगी। हाँ और रिया का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। कम ऑन लेट्स गो। चल टिम्पी तूने एक चीज नोटिस की प्राची उस लड़के के साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी। छोड़ ना यार सबको पता है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है कुछ नहीं हम क्यों उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो बता। अरे यार प्राची जिस लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी ना प्राची उसे पटाना चाहती है। चल चल रुक। टिम्पी अपनी सुना दी अब हमारी भी सुन ले। जो बात तू कर रही थी ना वैसी बात दोबारा मत करना। किस बारे में दादी जी। एक सेकेंड दादी कहीं आपने हमें बात करते तो नहीं सुन लिया। हाँ सुन लिया इसीलिए तुम्हें सुना रहे। ये जो बकवास कर रही थी ना तो किसी और के सामने जाकर मत करना क्योंकि हम प्राची को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कैसी लड़की है। मैंने ना तीन तीन पीढ़ियां देखी है। तुम लोग जिस तरह की बातें कर रहे हो ना प्राची वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो तो बस उस लड़के से बात कर रही थी। और लड़कों से तो बातें तुम भी करती होंगी ना तो जैसे तुम प्राची के बारे में बोल रही थी कोई तुम्हारे बारे में बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। दिवाली की पार्टी बहुत अच्छे से चल रही है तो उसे ना एंजॉय करो और जब बकवास करनी है ना अगर तुम्हें तो अपने घर पर जाकर करना या नहीं। सॉरी फालतू में डांट पड़ गई यार। इट्स ओके ना वैसे भी दिया ने जो हमें काम दिया था वो तो काम हो गया ना। आपको कुछ चाहिए। अरे हाँ वो पीना है मतलब कुछ तो पीने को मिले। बहुत देर से बातें करते करते गला सूख गया। लीजिए ना। अरे प्लीज आप लो पहले। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा देखो एक बात बताओ। अब देखो मैं उतनी दूर से यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ और कल चला भी जाऊंगा। एक बात तो मानो मेरी आप जब ये नहीं पियेंगी इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज थैंक यू। अरे आप ही पियो ना कहाँ गए वो। अरे ऑरेंज था ना लेके पहले ही चला गया होगा। मैं तो पीता नहीं ना ऑरेंज। हाँ पर आप भी कुछ लो ये ले लीजिए। नहीं 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 मैं मंगवाता हूँ ना अपने लिए रुको। लो हमने भी ले लिया। बस पियो। लो ना पियो। देखो पियो पी नहीं रही हैं। प्लीज प्लीज मैं पिला। अरे प्लीज 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 पियो। अरे अरे क्या हुआ ठीक तो ना। क्या हो गया अचानक से ठीक तो हो। नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ वो थोड़ा से हैवी हैवी लग रहा है यहाँ पे। अरे लगता है बीपीपी की प्रॉब्लम है शायद। हैं नहीं नहीं वरी ओके। रणवीर
यस, उसने वो ड्रिंक पी ली। आराम से, ये लो लो लो, पानी लो, पानी लो, लो पानी पियो, पानी पानी। सुनो, तुम्हारे ये चुन्नी पे कुछ लगा है? कहाँ पे? उधर नहीं, इधर 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 लगा, देखो। अरे आराम से, कहाँ? ये देखो, देखो यहाँ। ओह, अरे ये तो वो मस्टर्ड है शायद। हाँ शायद, साफ करके आती हूँ मैं। हाँ ठीक है। अरे अरे, सेकेंड स्टेप भी हुआ सक्सेसफुल, अब फाइनल स्टेप। और उसके बाद इस प्राची का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। व्हाट्स अप प्रिया, व्हाट इज दिस? हाँ, आई हैव नो आइडिया पूजा, आई स्वर आई हैव नो आइडिया। ओ माय गॉड, ऐसे कोई कैसे किसी के घर पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी दिवाली के दिन? अरे ठीक है ना, अब दोनों को क्या पता कि उन दोनों की फुटेज प्रोजेक्टर पर दिख रही है। अरे कुछ भी मत बोलो, ये गलत है। हाँ यार, ये बेशर्मी है। वैसे तो सीधी सादी दिखती है, पर निकली कैरेक्टरलेस। जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा है। अब हर कोई प्राची को ब्लेम करेगा, मुझे नहीं। मैंने तो अपना इम्प्रेशन बना लिया है कि ऐसी चीजें फैमिली के सामने नहीं देखनी चाहिए। वाह रिया, तेरी भी दांत दांत देनी पड़ेगी। अब तू अच्छी बन जाएगी और वो प्राची बुरी, पूरी भी नहीं, बहुत बुरी। कोई कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? मुझे डैड कहाँ है? डैड घर पे नहीं है, आने में लेट होगा उन्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राची को कुछ नहीं भूलेंगे। जाओ, जाकर उसे कमरे से बाहर निकाल। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ और उसे कमरे से बाहर लेकर आओ रिया। ओके। I don't think जो हुआ है उसके बाद किसी को कुछ कहना है। जो हुआ उसे कोई रोक नहीं पाया, इसलिए अब जो मैं करने जा रही हूँ उसे कोई नहीं रोकेगा। डर लग रहा है? नहीं यार, मैं सोच रहा था कि मुझे आलिया का फोन उठा लेना चाहिए था। साले, तुझे मेरा फोन भी उठा लेना चाहिए था तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ पर जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तू बाल बाल बचा है साले। मैं बाहर से आ रहा था, मैंने आलिया की गाड़ी देखी, फिर मैंने वहीं पर तेरी गाड़ी भी देखी। मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई सीन क्रिएट होने वाला है। उसके बाद मैंने आलिया को फोन किया, मैंने कहा कि मैं और पूरब दिशा से मिलने आए, तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तूने ये बोला तो आलिया बाहर है क्या? किसी से बात करी थी, वो चली गई। She's gone. You're safe now. Thank you so much, यार। Thank you, सही काम चलाया क्या? तो क्या करूँ? इसके लिए अवार्ड दे, मतलब ट्रॉफी के साथ उस पर लिखवाना कि अभिषेक प्रेम मेरा माय सेवियर। टैटू नहीं बनवा लूँ? बनवाएगा। हाँ बोल के तो देख। कहाँ बनवाएगा? थोड़ा नहीं, माथे पे बनवाना, सबको दिखाई भी देगा कि पूरब खन्ना अपने दोस्त अभी के एहसानों के तले दबा हुआ है। ठीक है, तो काम कर, गले पे बनवा ले। क्या माथे पे बनवाएगा तो बाल से छुपा भी सकते ना ऐसे बिठा के। ऐसे मैं सोच रहा था कि टैटू बनवाऊंगा तो दर्द होगा ना, चल कैंसिल करते हैं। चला चल। अबे कोई कैंसिल वैंसिल नहीं करेंगे, दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तो जबरदस्ती तुझसे टैटू बनवाऊंगा, ठीक है? अरे अगली बार अगर तू इस सिचुएशन में किधर जा रहे हैं तो कम से कम फोन तो उठा ना, टेल मी अबाउट इट। आई नो यार। अच्छा सुन, मुझे कुछ पता चला है। क्या? दो मिनट रुक जा। दिशा ने मुझसे झूठ कहा। क्या झूठ कहा? यही कि
उसका ऋतिक के साथ अफेयर, तुझे किसने पता? अरे दैट्स अ लाई। भाई निशा मैं चंडीगढ़ से हुई नहीं, तुम्हें किससे बताया कि मैं चंडीगढ़ से हूँ? तुमने खुद बोला था। अरे मैंने तुम्हें कब बताया कि मैं चंडीगढ़ से हूँ? निशा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगा? देखो तुमने खुद मुझे बताया था कि तुम चंडीगढ़ से हो, अब तब क्यों बताया था मुझे ये याद नहीं, अब तुम खुद भूल गए। मैं भूल गया हूँ? अच्छा बाय द वे तुमने मुझ में इतना इंटरेस्ट लेना कब से शुरू कर दिया? मुझे कॉल किया, अपने घर पे बुलाया, आज से पहले तो तुमने मुझे अपने घर पे कभी इनवाइट नहीं किया, फर्स्ट टाइम तुमने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है। देखो दिवाली है ना, दिवाली पे कहते हैं कोई घर पे अकेले नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें इनवाइट किया। तो आधा घंटा पहले तुम्हें पता चला ना क्या दिवाली है? वो तुम रहने दो, तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो एक्चुअली मिस्टर अभिषेक मेहरा और मिस्टर पूरब खन्ना यहाँ पर आने वाले थे तो मैंने सोचा तुम्हें भी इनवाइट कर लूं। तुम्हें पता क्या, किसी ने ना बिल्कुल सही कहा, जब लड़कियां झूठ बोलती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है, तो और झूठ मत बोलो तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। अभी मेरे साथ आया। तुम पूरी बात सुनो ना। देखो मैंने सोचा कि वो लोग आ जाएंगे, तुम आ जाओगे, सब एक साथ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा। तो फिर क्या? तो फिर क्या? कितने सवाल पूछोगे? कॉफी कौन बनाएगा? अच्छा हाँ कॉफी। अच्छा तुमने अपनी स्टडीज कहाँ से की है? वेलम देहरादून से भाई। और ये बताओ ये जो बिजनेस है ये तुम्हारे पापा का है या तुमने खुद स्टार्ट किया है या तुम दोनों का साथ में है? पापा को कोई और बिजनेस था? एक सेकंड दिशा जस्ट स्टॉप इट, तुम्हें हुआ क्या है और ये क्या चल रहा है? तुम जवाब दो ना। अच्छा तुम्हें कोई कुछ पूछे ना। ये कौन क्या पूछेगा? मुझे कुछ नहीं जानना है। क्यों? अभी तक के रैपिड फायर तो खेल रहे थे ना, जो पूछना है ऋतिक के बारे में पूछ लो, गोल गोल बातें क्यों घुमा रहे हैं? मैं बातें गोल गोल घुमा रहा हूँ? मैं दिशा, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्यू थिंग्स, इसलिए मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, अपने मन से बना के बातें नहीं बोल रहा हूँ। और तुम आई कांट यू बी नॉर्मल फॉर फ्यू मिनट्स मैन? नॉर्मल? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, हमेशा हर बात पे झूठ। दिशा दिशा ये तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर, बीच बात में चुप हो जाना, बीच रास्ते में उतर जाना, बस यही आता है तुम्हें? बीच रास्ते में उतरती हूँ, आपकी तरह बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाती। दिशा स्टॉप नाउ। यू स्टॉप। दिशा मैंने कहा रुक जाओ। आप रुक जाइए, जहाँ पर भी है वहीं पर रुक जाइए, आगे बढ़े ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ये पुलिस वुलिस की धमकी मुझे मत देना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं सच में फोन कर दूंगी और बता दूंगी कि आप बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं परेशान? आई तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ आप मुझे परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हो, बहुत परेशान कर रहे हैं। दोबारा बोलूं या समझ में आ गई बात? ओके मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया और ना ही मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, ये लो मैं भी यहीं खड़ा हूं, तुम भी यहीं खड़ी हो, लगाओ पुलिस को फोन। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, तुम्हें परेशान कर रहा हूं, तुम चिल्लाई, तुमने मुझे दूर रहने को कहा, मैं फिर भी तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पुलिस की धमकी भी दी लेकिन पुलिस को कॉल नहीं किया। मे बी तुम्हारे पास तुम्हारा फोन नहीं होगा इसलिए तुम्हें अपना फोन दे रहा हूं। नाउ यूज माई फोन एंड कॉल द कॉप्स। यहीं खड़ा हूं, कहीं नहीं जाने वाला, करा दो मुझे अरेस्ट। क्या हुआ? कॉल 100। ओके लेट मी हेल्प यू। करो बात। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? हेल्प ही तो कर रहा था ना। दिशा तुमने मुझे लायर कहा था, लायर मैं नहीं, लायर तुम हो, तुम हमेशा झूठ बोलती आई हो। और हाँ छोड़ के मैं नहीं गया था तुम्हें, छोड़ के तुम मुझे गई थी और अभी भी तुम ही छोड़ के जा रही हो। प्लीज मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है और बार बार करूंगा और तुम मुझे बात करने से नहीं रोक सकती। टैक्सी रुको प्लीज। दिशा दिशा स्टॉप। मुझे ये बताओ कि वेरोनिका कौन है? ऋतिक की गर्लफ्रेंड राइट? अब तुम मुझे बताओ कि झूठ कौन बोल रहा है, तुम या मैं? हैप्पी दिवाली।
क्या कर दिया यार मैंने। वो जी वो आ रही है। क्या हुआ मुझे बता, मैं संभालूंगी। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं शाना? अच्छी, ये लोग कह रहे कि तुम ऊपर किसी लड़की के साथ कमरे में। क्या क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू रोना बनकर मैं आ जा, मैं देखती हूँ। मैं बॉयफ्रेंड कहाँ है तुम्हारा प्राची? किसकी बात कर रही हैं? डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। हम सब ने सब कुछ देख लिया है यहाँ पर। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैं यहाँ हूँ।